दिल्ली पुलिस क्राइम ब्रांच की टीम ने थाना ख्याल अंतर्गत हुए हत्या के मामले में फरार चल रहे शातिर अपराधी अरुण उर्फ रिक्की को गिरफ्तार किया है। दरअसल क्राइम ब्रांच से मिली जानकारी के मुताबिक आरोपी अरुण उर्फ रिक्की ने अपने साथियों के साथ मिलकर सतेंद्र नामक व्यक्ति पर बेसबॉल के बल्ले से हमला किया था, जिसके पश्चात सतेंद्र नामक व्यक्ति की मौत हो गई थी, जिसके बाद से लगातार आरोपी अरुण उर्फ रिक्की पुलिस की गिरफ्त से बचने के लिए लगातार फरार चल रहा था। इसी कड़ी में क्राइम ब्रांच की टीम में तैनात एक पुलिसकर्मी को इस मामले से जुड़े आरोपी अरुण उर्फ रिक्की के बारे में गुप्त सूचना प्राप्त हुई कि अरुण उर्फ रिक्की अमरनाथ चला गया है, जिसको देखते हुए क्राइम ब्रांच की टीम ने जम्मू और श्रीनगर में करीब 100 अमरनाथ यात्रियों के शिविर और होटलों की तलाशी ली। टीम ने जम्मू और श्रीनगर में करीब 150 कारों की भी जांच की। लगातार कड़ी मेहनत के बाद आखिरकार टीम ने कठुआ टोल प्लाजा पर आरोपी अरुण उर्फ रिक्की को ट्रैप लगाकर गिरफ्तार कर लिया। साथियों, जानकारी के मुताबिक इस मामले में आरोपी अरुण उर्फ रिक्की ने अन्य साथियों को पुलिस टीम से पहले ही गिरफ्तार कर लिया गया था, लेकिन आरोपी अरुण उर्फ रिक्की पुलिस की गिरफ्त से बचने के लिए लगातार अपने ठिकाने बदल रहा था। बहरहाल क्राइम ब्रांच की टीम ने थाना ख्याल अंतर्गत हुई हत्या के मामले में फरार चल रहे शातिर अपराधी अरुण उर्फ रिक्की को धर दबोचा है। इस पर पूरी जानकारी के साथ हमारे संवाददाता कुणाल शर्मा हमारे साथ जुड़ रहे हैं। आइए जानते हैं क्या है पूरी जानकारी। दिल्ली पुलिस क्राइम ब्रांच की टीम ने हत्या के मामले में फरार चल रहे आरोपी को जम्मू से धर दबोचा। दरअसल जानकारी के मुताबिक हत्या के मामले में फरार चल रहा आरोपी अरुण उर्फ रिक्की, जो जम्मू के लिए रवाना हो गया था, जिसके बाद लगातार अपने ठिकाने बदलता हुआ नजर आ रहा था। इसी बीच क्राइम ब्रांच की टीम में तैनात एक पुलिसकर्मी को आरोपी अरुण उर्फ रिक्की के बारे में गुप्त सूचना प्राप्त हुई कि आरोपी अरुण अमरनाथ में कहीं पर छिपा हुआ है, जिसके बाद क्राइम ब्रांच की टीम अमरनाथ पहुंची और वहां पर लगातार तलाशी अभियान जारी किया गया, जिसके बाद जम्मू के एक टोल प्लाजा से आरोपी अरुण उर्फ रिक्की को धर दबोचा गया। साथ ही जानकारी के मुताबिक आरोपी अरुण उर्फ रिक्की अपने दोस्त के साथ उसकी कहा सुनी हो गई थी, जिसके बाद उसने अपने दोस्त की हत्या कर दी और लगातार फरार हो गया, और साथ ही अपने ठिकाने बदलता हुआ भी आरोपी अरुण उर्फ रिक्की नजर आ रहा था, जिसके बाद क्राइम ब्रांच की टीम ने आरोपी अरुण उर्फ रिक्की को जम्मू के एक टोल प्लाजा से धर दबोचा। फिलहाल दिल्ली पुलिस क्राइम ब्रांच की टीम इस मामले को लेकर आगे की तफ्तीश में जुटी हुई है। कैमरा पर्सन विक्की के साथ कुणाल शर्मा, पंजाब केसरी.com।